आप थक गए क्या? अरे अभी तो आपको चढ़े ही नहीं, क्या कर रहे हो यार? ये देख लो जी कितने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो अभी हमारा स्पेशल हिस्सा बनना चालू हो गया है। इधर आओ। बैडमिंटन नहीं खेलना है? नहीं। क्यों? हाँ खेलना है ना। उठाओ फिर। खेलो, शायद भाई सिखाओ इसको। बिल्कुल। शायद भाई सिखाएंगे मिन्हा को बैडमिंटन। उसकी तरफ मारो, आगे आओ। मारो आयशा की तरफ। देखो कैसे, ऐसे ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे। इसकी तरफ मार ना। वेरी गुड, क्या बात है। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। हाथ में ऐसे यहां। सुबह सुबह यहाँ पे बैडमिंटन ट्रेनिंग चल रही है। ऐसी दे इधर दो, सिर्फ कॉक। अबे यार। चलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हो रहे हैं जी सुबह के 11:30। आज सुबह गए थे हम दीदी के यहाँ, मिन्हा के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की। ऑफिशियली लगभग 25 दिन बाद मैं घर आया हूँ, 20-25 दिन बाद। तो थोड़ा बहुत खेल रहे थे मिन्हा के साथ। अभी फिलहाल हाँ रेडी है। चलो जी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं एक जगह, ददमर्ग जगह का नाम है, लगभग यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ 10-15 दिन पहले एक की डेथ हुई थी, उसको हम चाचू बुलाते थे। वो हमारे बाग की देखभाल वगैरह करते थे और कभी कोई छोटा मोटा काम होता था घर पे तो उनको ही बुला लेते थे हम। तो उनकी 10-15 दिन पहले डेथ हुई थी, तो हम माँ ने बुला के उनके घर जाते हैं, थोड़ा हाल चाल पूछ के आते, नजर मार के आते हैं। तो बोला ठीक है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। मेरी छोटी बहन, माँ और तेरी बहन भी आ रही है? हाँ मेरी बहन भी आ रही है, और इसकी बहन और शाहिद और मैं। तो हम जा रहे हैं उधरी पहाड़ पर, वो जगह। तो हाँ देखते हैं कैसा कुछ सीन रहता है। वो क्यों नहीं आ रहे? ये आ गई जी हमारे नौजवान माता श्री, ये शाहिद भाई की बहन रुतबा, ये रही जी मेरी बहन। चेहरा छुपाने की कोशिश चल रही है, इसको पता है, इसको पता है वीडियो ले रहा हूँ। मेरी चालाक ब्रो, चालाक। चलो 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 जी, गेट इन। ये यहाँ पर कुछ रस्म रिवाज, अंडे की ट्रे। चलो जी चले फिर। हाँ जी, तो निकल पड़े हम ददमर्ग की ओर। वो पिकनिक स्पॉट भी है शायद, है ना? मैंने सुना है वहाँ बच्चे वगैरह पिकनिक जाते हैं। मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूँ, तो आज जाते हैं एक्सप्लोर करके भी आते हैं थोड़ा सा। तो गया कभी? मैं कभी नहीं, दूध पथरी गया हूँ मैं, दूध मर्ग ही नहीं। अच्छा ओके, और एक जगह भी है दूध पथरी, वो तो श्रीनगर से है। हाँ वहाँ से, ये पहाड़ पे है ना? यस, लेट्स गो। मुझे लगता है आज बर्फ होगी। शायद भाई क्या लगता है आपको? मुझे बोला कल स्टार्ट हुई थी यहाँ। हाँ कल थोड़ी हुई थी फिर रुक गई, लेकिन मौसम है खराब साई, सर्दी भी काफी है, ठंड भी बहुत है। और ये रहा जी हमारा मेन मार्केट, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं ये, क्या बात है, वैसा का वैसा है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, दूध मार्गी का पहुंचेगा सुन। यहाँ से दूध मर्गी। सॉरी। ये जगह ना मैप्स पे भी अवेलेबल नहीं है, गूगल मैप वगैरह पे दिखाई नहीं रहा। अब लोगों से पूछना पड़ रहा है कि किधर से जाना है, क्या कुछ है। पहाड़ क्या मस्त लग रहा है ना, एकदम जबरदस्त, मस्त मस्त नजारे। ठीक ठाक है यहाँ से ना? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रोड होगा, लेकिन अच्छा है। यहाँ पर जी हो गया है रास्ते का दी एंड, नो मोर रास्ता। अब यहाँ से उतर के पैदल चलना है। भाई साहब ठंड क्या है यहाँ से, ठंड बहुत ज्यादा है। ये देख लो जी, यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता, अब दी एंड है यहाँ पे। अब यहाँ कन्फर्म करेंगे हम उनका घर कहाँ पे और चलेंगे। और यहाँ से घर देखो, एकदम पुराने टाइप के घर, पुराने अंदाज में जी रहे हैं लोग यहाँ, एकदम मस्त शांति में, बहुत बढ़िया। बर्फ भी हुई थोड़ी थोड़ी ना, वो बर्फ, वो देखो बर्फ। चलो जी चलते हैं, गाड़ी लॉक करते हैं। चलो जी। नाले में कुदा दिया बे, शांत जगह है लेकिन, है ना? हाँ। मस्त एकदम, आराम से आराम से।
आराम से बच्चों बच्चों आ जाओ जी, आ जाओ शायद भाई। Yes, bro. ये किस किस्म का पेड़ है? ये इस पे अंगूर उगते हैं क्या? आम पता नहीं यार। मस्त एकदम ना यार। तो वो घर है जहाँ हमें जाना है, वो वाला मिल गया हमको ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। मस्त एकदम पहुंच गए। याकूब भाई क्या हाल है? जाओ जी बैठो। शायद भाई बैठिए बैठिए जी। क्या बात है, नज़ारा क्या मस्त है यहाँ से यार, एकदम कड़क। ये देख लो जी, ये नज़ारा है यहाँ से। क्या बात है, टाइम क्या रहा है? 2:38। अस्सलाम वालेकुम। मुझको कांगर दो। थैंक यू, यहाँ पर हमारा स्वागत किया गया कांगरी से। ये देख लो जी कितने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। हाय करो, ऐसे करो हाय। चलो बाय बाय। हाँ जी, तो अभी हमने चाय शाय पी ली, बड़ी मस्त चाय थी। और अभी आगे हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने इस जगह को। आगे आगे जा रही है शाहिद की बहन और मेरी बहन। चलो जी, ये देख लो बर्फ यहाँ से थोड़ी थोड़ी। रुतबा कैसी लगी आपको ये जगह? बड़ी मस्त लगता है। मस्त है ना, एकदम कड़क पहाड़ पे ये प्रॉपर देख लो। इससे ऊपर लगता ही नहीं है कुछ है, मत इसके आगे बस पहाड़ ही पहाड़ है। वो देखो जी पेट डॉग। ओ काहे भौंक रहा है बे, क्या मसला है भाई? चल चल चल, आप थक गए क्या? अरे अभी तो आपको चढ़े ही नहीं, क्या कर रहे हो यार? ये देख लो जी कितनी ऊंचाई पे हैं हम। मेरी सांस फूल रही है। याकूब भाई जी, यहाँ जंगली जानवर नहीं होते? आता है कभी कभी। कौन सा, भालू आते हैं? भालू भी होता है। बंदर? बंदर भी होता है। कसम से हाँ जी, हमको ना खा जाए। नहीं आज कहाँ होते हैं, आज नहीं होते। फिर कब होते हैं? जून जुलाई में। जून जुलाई में? हाँ। अच्छा ठीक। ओ भाई वाव, क्या नजारे हैं। ये देख लो इस पहाड़ पे हल्की हल्की बर्फ, मस्त लग रहा है बहुत। क्या बात है यहाँ। मैं एक हाँ चीज दिखाऊंगा आपको। दिखाओ दिखाओ, क्या चीज? आपको भाई बोल रहे हैं, कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, देखते हैं। ओ याकूब भाई, शाहिद को पकड़ने की जरूरत। भाई यहाँ से चिट्टी मिट्टी निकलती है यहाँ पे। ये गुफा है? हाँ जी। अरे मैं घुसूं? ये बहुत था पहले। अरे यहाँ से रशिया तो नहीं जाते? ये इसमें बहुत मस्त है एकदम। चलो वापस चलते हैं। गाइस लुक एट दिस, मुर्गे मुर्गियां एकदम मस्त है ये वाला। हाँ ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो इट इज 4:13 राइट नाउ। 2-3 घंटे स्पेंड कर दिए यहाँ, अभी जा रहे हैं वापस घर। इट वॉज नाइस, मजा आया काफी, मजा आया बढ़िया। चलो जी मैं चलाऊं ये, मुझे चला के दिखाओ प्लीज। चलाओ ना, तो चलाओ। अरे वाह क्या बात है। ओ बैलेंस, क्या बात है।
बड़ा क्यूट बंदा है ना, क्यूट बच्चा है यार। यहाँ यही गेम्स है इनकी, जरा मैं भी चलाऊंगा भाई, मैं ट्राई करूंगा। देखो यार, नीचे उतर, नीचे नीचे देखा। हाँ You lost the control again. You will never play again. Thank you, बच्चो. Thank you. ये लो 50 rupees. सब मिलके खाना, ठीक है? ठीक है. इतना प्यारा बच्चा है ना. एक साथ खाना सारे, ठीक है? Okay. चलो भाई. Bye. आजा. And finally, we are back to sweet, sweet home. चलो जी, आज हम बहुत समय बाद गाड़ी अंदर पार्क करने वाले हैं, वरना यूजुअली बाहर ही होती है, क्योंकि दिन में हम दो चार बार निकलते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो आइए सर, पधारिए। रुक जा। आ जा। तेज। राइट काट। ए बॉस, क्या बात है, लगभग 4-5 महीने बाद गाड़ी अंदर रख रहा हूँ मैं, है ना? हाँ। वरना हमेशा बाहर ही होती है गाड़ी, बिल्कुल दिन रात, क्योंकि यहाँ अंदर लाना ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा तंग गेट है। एक बार गेट बढ़ा दे हम, फिर कोई मसला नहीं, फिर अंदर रखा करेंगे। ये देख लो जी, गाड़ी अंदर लाने की वजह ये सारे कपड़े आज निकालेंगे, ये बहुत टाइम से इसी में है, मैं निकालता ही नहीं हूँ, ये निकालेंगे अंदर रखेंगे, आज धुलवाने भी है, रखेंगे बंद करके। आज से तू इसमें कपड़े रखेगा ही नहीं। हमने वार्डरोब बना रखा था इस गाड़ी का। पर देखिए जी, मुझे बैग मिला, मतलब ये पढ़ाई वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करता है, पोल खोल दी गई इसकी। बैग सबसे नीचे है। नहीं यार, ये पुराना वाला है, मैं नया लाया ना। देखो ड्राफ्टर भी है। ये देख लो जी, कितने सारे कपड़े निकले हैं गाड़ी से। पूरा वार्डरोब, इसी खुशी में ट्राईपॉड भी मिल गया, ये नीचे दबा था, मस्त एकदम। तो अभी हो रहे हैं जी 10:02 और शाम से ही लगे हैं हम हरसा बनाने में। आज हमें मूड आया हरसा बनाने का, तो शाम को हमने लाया गोश्त और अभी चल रहा है काम। आई विल डू इट फॉर यू। क्या बात है, पकड़ के रखो। और इसमें है बाकी सामान, ये भी इसमें डालना है। ये चावल है ना? हाँ। पीसे हुए चावल। ये क्या है, प्याज? हाँ। ओके, तो अभी हमारा स्पेशल हिस्सा बनना चालू हो गया है। अभी फाइनली कितना टाइम लगेगा इसमें टोटल? इसमें लगेंगे अभी 2 घंटे। अभी और 2 घंटे, क्या बात कर रहे हो? आधा घंटा। ओके, यूजुअली हम 8-9 बजे डिनर कर लेते हैं, अभी 10:30 होने वाले हैं। खैर पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा ही। लेट्स वेट। एंड फाइनली गाइस, आवर हरीसा इज रेडी। क्या बात है, थोड़ा सा शहद के लिए भी रखना, शहद के लिए थोड़ा सा रखना। कैसा है? अच्छा है कसम से, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा और डाल दो, थैंक यू। ये रहा जी मेरा हिस्सा स्पेशल, टेस्ट बढ़िया है। तो खा लिया जी हमने हरसा भी, पहली बार बनाया था ना, तो पहली बार के हिसाब से काफी अच्छा बना था, मतलब बहुत अच्छा बना था पहली बार के हिसाब से। तो हाँ, अभी काफ़ी लेट हो गया, 11:30 बज रहे हैं अभी, अभी हम सो जाते हैं, इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, फॉर व्हाट सो रीजन, गिव इट अ लाइक, आई विल सी यू सम अदर डे, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।